नमस्कार बच्चों, आज हम आपको विद्युत धारा के बारे में बताएंगे। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा होती है किसी भी परपथ में आवेश प्रवाह की दर, मतलब कोई परपथ में आवेश का यदि प्रवाहित होने लगे, मतलब कोई भी परपथ में आवेश अगर प्रवाहित होने लगता है तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा। तो जैसे हमने आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन बताया था, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि कोई भी चालक पदार्थ होता है जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकता है, जैसे धातुएं हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि कोई भी तार में क्या होता है कि मतलब कोई भी परमाणु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे होते हैं, जब इन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अनियमित गति करने लगते हैं, तो ये बन जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चालक तार अगर है, कोई भी चालक तार ले लिया जाए, मतलब कोई धातु का अगर तार है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में सब अनियमित गति कर रहे होते हैं। कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर, तो ये सब क्या होते हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। जैसे लाइट नहीं आ रही है, कोई तार अगर लगाए पंखे का, पंखे में कोई तार लगाए, लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आएगी तो पंखा चलेगा नहीं, लेकिन क्या उस तार में अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है? उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहे हैं, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब अनियमित गति कर रहे हैं। कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, मतलब सबकी दिशाएं अनिश्चित होंगी, अनियमित गति करेंगे। लेकिन लाइट आ जाने से क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब अनियमित गति कर रहे थे, वे सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रवाहित होना। तो वे सब इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति कर रहे थे, वो सब इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, एक ही दिशा में गति करने लगेंगे। और जब वे सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगेंगे, तो हम कह सकते हैं परपथ में धारा बहने लगती है, यानी परपथ में आवेश प्रवाहित होने लगा है, और परपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही कहा जाता है विद्युत धारा। अब भी लाइट आ जाने से ऐसा क्या हो जाता है तार में कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब अनियमित गति कर रहे थे, वे सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगेंगे। हमने जैसे देखा होगा, बैटरी लेते हैं तो बैटरी 200 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है, इस तरह से होता है, या घर में हमारी जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की होती है। 220 वोल्ट अर्थात वो उसका क्या है, विभवांतर है। तो जैसे हमने कोई तार को क्या किया, बोर्ड में लगा दिया, तो हमने क्या किया, किसी तार को जब हमने बोर्ड में लगा दिया, तो मान लो वहाँ पर विभवांतर 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि इन तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर 220 वोल्ट है। या मान लो हमने कोई तार को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 15 वोल्ट की बैटरी के दो सिरों से जोड़ दिया, तो अर्थात इसका तात्पर्य है कि इन तार के दोनों सिरों पर विभवांतर 15 वोल्ट है। तो होगा क्या, जैसे मान लो ये तार है, विभवांतर तो जब ही होगा, जैसे मान लो इस तार के एक सिरे पर विभव 10 वोल्ट हो जाए और एक सिरे पर विभव 25 वोल्ट हो जाए, तो तार के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर 25 में से 10 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 15 वोल्ट। अगर मान लो इस पर विभव 10 वोल्ट है और इसकी इस सिरे पर भी विभव 10 वोल्ट है, तो हम कहें इसमें विभवांतर कितना होगा, तो 0 वोल्ट होगा। तो जब क्या होता है, कोई भी तार को जब लाइट आ जाती है, तो उस तार के सिरों पर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जितना भी वोल्ट का हो जाए। तो जैसे यहाँ पर मान लो इस सिरे पर विभव 10 वोल्ट है, यहाँ 25 वोल्ट का विभव दे दिया दूसरे सिरे पर, तो इन तार के दोनों सिरों के बीच 15 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर जब ही उत्पन्न होगा, जब तार के एक सिरे पर विभव ज़्यादा होगा और दूसरे सिरे पर विभव कम होगा, जब ही तो विभव में अंतर होगा। तो होगा क्या कि लाइट आ जाने से क्या होगा कि जो तार में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तार के दोनों सिरों के बीच विभव में कुछ अंतर होगा, अर्थात एक सिरे पर विभव ज़्यादा होगा और दूसरे सिरे पर विभव कम होगा। अब भी सब इलेक्ट्रॉन क्या था, जब लाइट नहीं आ रही थी तो वे तार सब क्या थे कि अनियमित गति कर रहे थे। अब लेकिन लाइट आ जाने से तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया, अर्थात एक सिरे पर विभव ज़्यादा है और दूसरे सिरे पर विभव कम है। जैसे यहाँ हमने एक तार बनाया है, तो इसके सिरे इस बिंदु ए पर विभव कम है और बिंदु बी पर विभव ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब अनियमित गति कर रहे थे, कोई यहाँ जा रहा था, कोई यहाँ जा रहा था, इस तरह से सब अनियमित गति कर रहे थे, जब इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जिस सिरे का विभव ज़्यादा होगा उस सिरे की ओर जाने लगेंगे, और जब ये सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बस यही डेफिनेशन है धारा की, कि किसी विद्युत परपथ में आवेश प्रवाह की दर, यानी परपथ में क्या होने लगे, आवेश प्रवाहित होने लगे, तो उस परपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही कहा जाता है विद्युत धारा। तो मान लो यहाँ पर कोई तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, और यह क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित हो रहा है, दर का मतलब होता है समय को भाग देना, तो आवेश क्यू प्रवाहित हो रहा है और यह क्यू आवेश टी समय में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। मात्रक यदि बनाएं तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो
कूलम बटे सेकंड, या फिर डायरेक्ट इसे लिखा जा सकता है एम्पियर। इतना बड़ा मात्रक नहीं लिख के आता है, सीधा लिख के आता है धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन फिर भी धारा में दिशा बताई जाती है। धारा की दिशा क्या होती है? धनावेश के चलने की दिशा में। विद्युत धारा की अगर दिशा निकालना है तो धनावेश के चलने की दिशा में। आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर किसी तार में धनावेश चल रहा है तो धनावेश के चलने की ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, और किसी परपथ में अगर ऋणावेश गति कर रहा है तो ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। अब सोच रहे होंगे कि जब विद्युत धारा अदिश राशि है तो फिर इसकी दिशाएं क्यों बताई जा रही हैं? अदिश राशियों में तो दिशा नहीं होती है। तो इसका हम ये भी आपको रीजन पता ही दे रहे हैं कि अदिश राशि होने के बाद भी इसमें दिशाएं क्यों बताई जा रही हैं। तो पहले तो आप दिशा, अगर किसी पर्वत में धनावेश गति कर रहा है तो धनावेश के चलने की ही दिशा में, अगर किसी पर्वत में मान लो धनावेश इस दिशा में जा रहा है तो धारा भी इसी दिशा में बहेगी। लेकिन अगर मान लो इस तार में ऋणावेश गति कर रहा है और वह ऋणावेश इस दिशा में गति करेगा तो धारा इसके विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में बहेगी। दिशा निकालना, अब हम ये बताएंगे कि धारा अदिश राशि बाद भी इसमें दिशा क्यों निकाली जा रही है। जबकि आप लोगों को तो डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो जब अदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर दिशाएं क्यों बताई जा रही हैं? जबकि दिशा की आवश्यकता तो सदिश राशियों में होती है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए डेफिनेशन बताई गई है कि अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इतना ही काफ़ी नहीं है, हमने आप लोगों को सदिश और अदिश की पूरी एक वीडियो दी है, उसमें आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सदिश राशियों के जोड़ने या घटाने के कुछ नियम होते हैं, यदि कोई राशियां उन जोड़ने या घटाने के नियमों को पालन करती हैं तो उन्हें अदिश राशि कहा जाता है, और जोड़ने और घटाने के नियमों का वह पालन नहीं करें तो उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। तो विद्युत धारा में ऐसा ही है कि विद्युत धारा जो सदिश राशियों के जोड़ने या घटाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, यानी इन्हें साधारण गति विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए इन्हें अदिश राशि कहा गया है।